बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एम बी ब्लॉग च वेलकम कर दी कि मेरे सारे भैन भरा ठीक आ। अल्लाह ताला तुहानू सेहत तंदुरुस्ती रहे तुहाडियां जायज़ ख्वाहिशां पूरा करे आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी जी सब देखने वालों नू जां नहीं भी देखते उन्होंने सब नू है ना ईद मुबारक। तो हाँ जी जी अलहमदुलिल्लाह हाँ जी जी अलहमदुलिल्लाह गोश्त आ गया वा क्योंकि वड्डे जानवर दे विच ना हिस्सा रखिया सीगा तो थोड़ी देर हो गई आ तो हूँ पहुँचा वा गोश्त। तो अज गर्मी इन्नी ज़्यादा वा ना बुरा हाल होया पिया ए एक पाया लिया वा सी क्योंकि उन्होंने गोश्त दे विच ना हिस्सा ए देखो साडा जानवर सी इस कलर का चिट्टा तो है ना काला सीगा तो यदा फिर जिथे सीगा बनया गोश्त बनाया वह भी क्लिप तुम दिखाए जाएंगे तो मेरा कैमरामैन लग गया के दिखाएगा तू रंग ए वाला है ना रंग बच्छे का सगा तो ये असी हिस्सा रखा सगा तो हिस्से का गोश्त आ गया वा तो हूँ ये हिस्से करते हैं जोड़ा जोड़ा हकदार आ तक पहुँचाने तो आपका हिस्सा भी है ना रखते हैं जोड़ा सही बनता वा ना हिस्सा उस हिसाब ना ना इन वंटते हैं चक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हक नू हकदार तक पहुंचाने माशाल्लाह जी इक्की इक्की किलो गोश्त आया वा सब नू जिन्हां जिन्हां दे हिस्से सीगे ते इहदे हुण करदे आ तीन हिस्से क्योंकि यह है ना है भी वैसे बनता भी है भी गोश्त के तीन हिस्से कर लो एक अपने अजीज अकारब रिश्तेदार जोड़े भी नहीं जिन्हें गुंजाइश वो नहीं लै सकते कुरबानी तो उन्होंने वास्ते एक आपका हिस्सा एक है ना आपके आस पड़ोस वाले भी उन्होंने वास्ते। हाँ जी जी माशाल्लाह गोश्त बड़ा सोहना आया वा अरमान परात लैके आपो तो वंडना शुरू करो। हाँ जी जी अलहमदुलिल्लाह तीन ढेरियाँ आपके वालों ईमानदारी ने तीन ढेरियाँ कीतियाँ वा बस जोड़ा सही असूल आ ना भी माशाल्लाह काफ़ी आ मुकदा ही नहीं भी आपदा जिन्ना ज़्यादा देर तो चलाना नहीं बस एक दो हांडियाँ बन जाए तो एक बिरयानी बन जाए इन्ना ही काफ़ी है तो हूँ है ना इनू वंडना शुरू कर दें परात के पाने एक सैड से बिस्मिल्लाह इना इना गोश्त दवांगे के है ना एक एक हांडी बन सके उन्होंने घर घर आया भी हाँ जी जी अलहमदुलिल्लाह गोश्त बन दिता वा जरा जरा हिस्सा बनता से जदी जदी किस्मत से अल्लाह ताला ने जिखिया से पहुँच गया आपका साडा हिस्सा माशाल्लाह बच गया वा बच्चे है ना बिरयानी मंग रहे हैं तो वह मैं बिरयानी बनाऊंगी बाकी एक है ना हांडी एक डेढ़ हांडी बन जाएगी बस अल्लाह का शुक्र है इन्ना ही बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ना कबूल कर लवे। तो तुहानू दसना यह सीगा भी गोश्त आ जड़ा हुंदा ना गर्म हुंदा एक गर्मी की कुरबानी है तो इदा गोश्त है ना छापरां च पा के फ्रीज ना करया करो फिर अजीब जी स्मैल आती है इनू पहले चंगी तरह साफ करो जब आप पकाने लई साफ करी दा वा तो बाद दे विच इनू चंगी तरह धो के ठंडा पानी ठंडा का मतलब ये पंप वगैरह चलाओ अजकल ठंडा ही पानी आता वो धो के चंगी तरह तो टोकरियां च पा के ना भी उन्हों है ना पखे थले हवा च रख दो जो खुशक हो जाए ना उदो उन्हों पैकेटां च पा के फ्रीज करो फिर बिल्कुल स्मैल नहीं आएगी बहुत मज़ेदार बनेगा फिर दो चार दिन अठ दस दिन तुम है ना रख भी लो तो उन्होंने बड़ा सोहना वो रहेगा तो उदा ही ताज़े तरह ही पकेगा
साढ़े तो माशाला अज बिरयानी बनेगी कल ना कड़ाई बन जाएगी बस इन्ना ही रखा वा तो है ना बाकी जितना भैन भरावान भी कुरबानियाँ ज्यादा होंगे ज्यादा गोश्त हों उन्हां वास्ते कह रही हैं। तो हाँ जी जी उम्मीद कर दी मेरा अज का व्लॉग तुहानू चंगा लगा होएगा। इहदे नाल ही इजाजत चाहनी, अल्लाह हाफिज़।